हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ हमारे ट्रेनी लोग भी हैं, हम लोग यहां पर साइट पर आए हुए हैं साइट विजिट करने के लिए। अभी इन लोगों का एस्टिमेशन का क्लास चल रहा था, उसी दौरान हमारे जो सेशन होता है उसमें साइट विजिट का भी रखा जाता है। यहाँ पर हम आकर के चीज़ों को पहले एनालिसिस करते हैं कि प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कॉलम कास्टिंग जो है अभी करना बाकी है, लेकिन जो स्लैब का कंक्रीटिंग पूरा हो चुका है, नीचे जो है इसका शटरिंग लगा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे, तो आप लोग भी इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत ही चीज़ें यहाँ पर साइड पर जो है सीखने के लिए मिलेंगी। तो हम जो है एक एक करके बातें करते हैं ना, साइड पर आए हुए हैं तो चीज़ों के थोड़ा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ बार लगे हुए हैं एक दूसरे के डायगोनल यानी परपेंडिकुलर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरी की पूरी जो सरिया है एक कॉलम से दूसरे कॉलम से पूरा इंसर्ट करके निकाली गई है, और उधर जो है दूसरी सरिया निकाली गई है। तो इसका मेन पर्पस देखो क्या है। अब जैसे कि जो नीचे से कॉलम आ रहा था तो प्रॉपर हम जो है वर्टिकलिटी कहीं ना कहीं नीचे डाउन से हम रिफरेंस लेकर के चेक कर रहे थे। अब इसके ऊपर मुझे कॉलम कास्टिंग करना है, हो सकता है कि बीच में वर्टिकलिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया हो, यानी एकदम सीधा ना होकर के 2 mm 3 mm डाउन में हो। अगर उस चीज़ को हम काउंटरैक्ट नहीं करेंगे, उस चीज़ को सही नहीं करेंगे, तो अगर इसके ऊपर भी फ्लोर बनेगा तो वो 2 mm 4 mm में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कॉलम पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो कोई भी मेम्बर अगर डिफ्लेक्ट हो गया है तो वो प्रॉपर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन को काउंटरैक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि प्रॉपर मेरा वर्टिकल ये जाए, उस चीज़ के लिए इसको बोलते हैं स्टार्टर के लिए रेफरेंस लेना। इसके फेस को हम फाइंड कर रहे हैं, इस कॉलम का ओरिजिनल फेस क्या होने वाला है। उसके लिए क्या किया कि पूरी की पूरी सरिया को हमने बाहर तक निकाल दिया, और वहाँ पर बाइंडिंग वायर को बांध करके नीचे जो है कोई ईंट को जो है लटका दिया है, हमने नीचे जो है ईंट को बांध करके लटका दिया। वैसा इस फेस से हमने किया कि बार को यहाँ से निकाला और नीचे जो है ब्रिक को बांध करके भारी चीज़ को नीचे वेट कर दिया। तो मतलब अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो पूरी लाइन ही वर्टिकल है उस पॉइंट पर। अगर मैं नीचे से जा करके मेजर कर लूँ कि इसका सरफेस कितना है उस धागे से इसका जो सरफेस है, क्योंकि नीचे की शटरिंग ओपन हो गई है, जब शटरिंग ओपन होगी एकदम क्लियर सरफेस दिख रहा होगा। तो अगर मैं नीचे से मेजर कर लूँ कि ये आ रहा है 50 cm यानी 500 mm, सपोज़ कि अगर उस धागे से नीचे जा कर के मैं मेजर कर रहा हूँ, जैसा मिस्त्री लोग मेजर कर रहे थे ना, मेजरमेंट ले रहे थे, तो मान लो 500 mm आ गया। जब 500 mm नीचे से आया तो ऊपर से भी 500 mm आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस वाले धागे से जो हमारा जो बार नीचे लटका हुआ है यहाँ से 500 mm मार्क करूँगा, तो यहाँ पर कोई सरफेस इसका बता रहा होगा, उस कॉलम का सरफेस, समझ पाए कि नहीं। अगर नीचे से मान लो 500 mm के डिस्टेंस पर है उस कॉलम के सरफेस से, तो यहाँ पर भी तो 500 mm के डिस्टेंस पर इसका आउटर सरफेस आएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिल जाएगा यहाँ पर। वैसे ही उस सरफेस की बात करें तो देखो यहाँ पर पूरा फॉर्मवर्क लगा हुआ है। फॉर्मवर्क लगने के वजह से यहाँ से डायरेक्टली साहुल चिपका करके हम इसकी वर्टिकलिटी चेक नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं अपने स्टार्टर के लिए। अब वो जो धागा बंधा हुआ है उस धागे से नीचे जो सरफेस क्लीन सरफेस मिला होगा वहाँ पर जाकर के मीटर में ले लेंगे। वो मान लो 800 mm आ गया, 800 mm आ गया, यानी उस धागे से अगर 800 mm यहाँ पर मेजर करेंगे तो इसका एक आउटर सरफेस बता रहा होगा ना। यस सर। अगर एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया, एक पॉइंट उस वाले कॉलम के ऊपर अगर मिल गया, दोनों को मिलाते हुए मैं धागा बांध दूँ, तो पूरा का पूरा मुझे एक सरफेस मिल जाएगा ना इसका, कि आउटर सरफेस क्या होने वाला है। वैसे ही इस सरफेस की बात करें और एकदम लास्ट वाले कॉलम की बात करें, लास्ट वाले कॉलम के ऊपर ऐसे ही अगर मेजरमेंट ले ले और हमको सरफेस मिल जाए, एक धागा बांध दे, तो हमको पूरा का पूरा इसका आउटर सरफेस मिल जाएगा ना। yes. तो जब आउटर सरफेस मिल गया तो नीचे मार्किंग कर लेंगे, इधर जो है नीचे मार्किंग कर लेंगे, इधर धागा बांध देंगे और उधर मार्किंग कर लेंगे। तो ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन होंगी। उस परपेंडिकुलर से जब हम जानते हैं कि इसका सरफेस अंदर इस धागे से कितना है, तो यहाँ से जो भी कवर मुझे मैनेज करना है, जो छोड़ना है, मैं यहाँ से छोड़ सकता हूँ ना। और यहाँ पर जो है पूरा 2 इंच से 3 इंच का या तो स्टील का ब्लॉक बना होता है या वुडेन का, इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं और इसके अंदर कंक्रीटिंग कर देंगे। कंक्रीटिंग जब करते हैं तो स्टार्टर के लिए कंक्रीटिंग करते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है, ताकि हमको एक सरफेस मिल जाए, इससे हम शटरिंग को चिपका करके लगाएंगे तो ये ना अंदर घुसेगा ना बाहर भागेगा। अगर उसके एक रेफरेंस मिल गया 2 इंच तक, अगर यहाँ तक कंक्रीट हम कर दिए और वहाँ पर अगर सटा करके चिपका करके रखेंगे तो ना अंदर घुसेगा ना बाहर निकलेगा, इससे हम हमारा क्या होगा कॉलम के जो सरफेस होगा बिल्कुल ही वर्टिकल हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई ना।
तो ऐसे तुमको भी भाई साइड पर काम करवाना है। कैसे करवाना है कि इस तरीके से कॉलम कॉर्नर वाले को रेफरेंस लेते हैं, कॉर्नर वाले को रेफरेंस लेने के बाद डायरेक्टली हम साउल यहाँ से लटका कर नहीं नीचे गिरा सकते, क्योंकि यहाँ का जो सरफेस कहीं ऊबड़ खाबड़ है, अभी फॉर्म वर्क लगा हुआ है, तो वो रेफरेंस हम कहाँ से लाएंगे, डाउन से लाएंगे, क्योंकि डाउन में जब फूटिंग के ऊपर कंक्रीटिंग कर रहे थे तो उसका भी हमने सरफेस प्रॉपर ले लिया था शुरू में ही उसका प्रॉपर जो स्टार्टर बनाने के लिए जो 100 mm का ऑफसेट छोड़ा गया था आपके ड्राइंग में, वैसे इसके ड्राइंग में भी उस फूटिंग के ऊपर ऑफसेट होगा, तो उसका रेफरेंस हम अब इसके ऊपर और फ्लोर अगर बनाना होगा तो फिर इससे हम रेफरेंस लेकर के ऊपर काम करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कॉलम प्रॉपर वर्टिकल रहेगा, और वर्टिकल रहेगा तो पूरा का पूरा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करता रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी इंक्लाइंड हो जाता है तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी होती है, सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया हो, तो फॉलो नहीं कर पाएगा। पता चला कि बीम आप इस पर रखे तो लटक गया, भले फेल नहीं हो रहा लेकिन सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि अब आदमी इसमें रहने से डरेगा, कॉलम लटका हुआ दिखेगा तो। क्लियर होगी ना चीज़ें? तो यहाँ पर कॉलम कास्टिंग के टाइम इसी बात का ख्याल रखना है। सो इंजीनियर्स, अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, साइड पर आकर के चीज़ों को सीखना है, तो हमारा सिविल गुरुजी प्रयागराज में एक नया ब्रांच खुला हुआ है जो 1 साल से रनिंग में है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आ करके यहाँ पर ट्रेनिंग ले। धन्यवाद।